हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस बाय सचिन मलिक में। जैसा कि आप जानते हो, समर वेकेशन आपकी ख़त्म हो चुकी हैं और आपकी वर्कशीट्स फिर से आनी स्टार्ट हो गई हैं। कुछ वर्कशीट हमारी अप्रैल में भी आई थी, लेकिन उन्होंने फिर से वर्कशीट नंबर 1 से ही स्टार्ट कराया, क्योंकि कुछ एडमिशन न्यू भी हो जाते हैं उनको बच्चों को ध्यान में रखते हुए। तो देखो, इसमें सिंपल आपको ऑपरेशंस जो होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन, उनके ऊपर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम दे रखी हैं। इनको हमें कैसे सॉल्व करना है, ये हम कर चुके हैं छोटी क्लासेस में, लेकिन फिर भी यहाँ रिवाइज करने को आ गया है। क्वेश्चन 1, रानी हैज़ ₹452, हर फादर गिव्स ₹289 मोर, और दे दिए, तो उसके पास पैसे बढ़ गए। बढ़ जब बढ़ जाते हैं तो हम कैसे निकालते हैं, ऐड करके। हाउ मैनी रुपीज़ डज सी हैव नाउ, तो इनको हम बोलते थे इकाई वाले सवाल या यूनिटरी मेथड। तो रानी हैज़ रुपीज़ 452, हर फादर गेव 289, टोटल अमाउंट सी हैव, इन दोनों को हम ऐड कर देंगे। ये HTO का मतलब है, वंस, टेंस और हंड्रेड प्लस, इकाईकांक, दहाईकांक और सैकड़ेकांक। तो उसके जो अंक जहाँ पर है वहीं पर हमें लिखना है, ठीक है। इस तरह से ऐड करके हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहता है रोनित हैज 712 रुपीज़, हिज ब्रदर टेक्स, ठीक है, उसके भाई ने उससे ले लिए कितने रुपए, 289 यानी 289। तो हाउ मैनी रुपीज़ डज ही हैव नाउ, अब उसके पास कितने बचे हैं, तो माइनस करके, क्योंकि कम हो गए। जब वो अपने भाई को पैसे दे देगा तो उसके पास कम हो गए, कम होने का मतलब है घटाना। तो रोनित हैज इतने रुपीज़, ब्रदर को दिए इतने रुपीज़, अमाउंट ही हैव, इसमें से माइनस करके हम इसको निकाल देंगे। माइनस करना मैं आपको नहीं सिखा रहा हूँ, आप 9th क्लास में हो, आपको आना चाहिए, ठीक है। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में कहना क्या चाह रहा है। ऐसी क्वेश्चन नंबर 3, देयर आर 49 चिल्ड्रन इन ए पार्क, कितने चिल्ड्रन है 49, और ईच वन हैव 13 बॉल, यानी हर बच्चे के पास 13 बॉल्स हैं। तो टोटल बॉल्स कितनी है, मल्टीप्लाई कर दो, 49 बच्चे हैं और हर किसी के पास 13 बॉल्स हैं, तो 13 से उसको मल्टीप्लाई कर दो। देयर आर स्टूडेंट 49, ईच स्टूडेंट हैव 13 बॉल्स, तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लाइन आ गई, फिर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ये लाइन आएगी, इन दोनों को ऐड कर दो, 637। नेक्स्ट, देयर आर 114 एप्पल, सोनू वांट्स टू अरेंज देम इन 3 इक्वल रोज, 3 रोज में उसको करना चाहता है। तो कहता बताओ हर रो में कितने सेब आएंगे, तो ऐसा जब क्वेश्चन आता है हम क्या करते हैं, डिवाइड, क्योंकि ग्रुप बनाना है हमें, तीन रो में उनको रखने हैं, तो 3 रो का मतलब उनको ग्रुपिंग करनी है, और जब भी ग्रुपिंग करनी हो हमेशा डिवाइड करते हैं। तो 1014 को 3 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके हमारे पास क्वेश्चन आ गया ये, तो 338 एप्पल एक रो में आएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको करके नहीं दिखाया, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवीजन आप 9th क्लास में आ चुके हो, तो इसका मतलब आप पर आते हैं। अगर आपको अभी भी नहीं आते तो फिर आपको मैथ पढ़ना बेटा बहुत मुश्किल होने वाला है। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास, ये हमारे पास प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दिए हैं कुछ। देखो क्या कहता, ए स्कूल हैज़ इतने स्टूडेंट्स, 725, 76 आर एबसेंट, तो प्रेजेंट कितने हैं, टोटल में से एबसेंट को माइनस कर दो, प्रेजेंट आ जाएगा। इन ए स्कूल 24 एबसेंट हैं, 726 प्रेजेंट हैं, यानी ये एबसेंट बच्चे हैं और ये प्रेजेंट बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे, तो इन सीख ही लिया चारों क्वेश्चन में। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, लता हैज 309 टॉयज, रघु हैज इतने टॉयज, हाउ मैनी डो हैव टू गैद, दोनों के पास कुल मिलाकर कितने हैं, दोनों को ऐड कर लो। नाउ 4th, अली गेट्स इतने मार्क्स, मनी गेट्स इतने मार्क्स, हाउ मैनी मोर मार्क्स अली हैव, तो अली के मनी से कितने ज़्यादा मार्क्स हैं, तो अली के मार्क्स में से मनी के मार्क्स को माइनस कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, अली गेट्स मार्क्स इतने और मनी गेट्स मार्क्स इतने, अली हैव मोर मार्क्स देन मनी, घटा दो, 90 आ रहा है। नाउ मुन्नी हैज़ मुन्नी के पास 3 times एज मैनी फ्लावर्स एज चुन्नी हैज़, यानी जितने फ्लावर चुन्नी के पास हैं उससे 3 गुना 3 times मुन्नी के पास है। इफ़ चुन्नी हैव 8 फ्लावर, तो चुन्नी के पता चला गया हमारे पास कितने, चुन्नी को अगर हम 3 से गुना कर दें तो 24 आया, तो ये हमारे पास मुन्नी के फ्लावर आ गए। हाउ मैनी फ्लावर डज मुन्नी हैव, 3 into 8। ए ड्रेस इज मेड इन 3 different साइज, 3 तो अलग अलग उसके साइज हैं,
एंड थ्री डिफरेंट कलर, और चार उसके डिफरेंट कलर हैं, यानी हर साइज में चार कलर हैं, इसका कहने का मतलब ये है। तो फाइंड 3 × 4, 12 ड्रेसेस आ जाएंगी, हर साइज के चार चार कलर हैं। नेक्स्ट, देयर आर 567 प्लांट्स, इतने प्लांट्स हैं। रीता वांट टू अरेंज 9 प्लांट्स इन ईच रो, एक रो में कितने प्लांट हैं, 9, तो बताओ कितने रोज बनेंगी, 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 9 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ रोज हमारे पास आ जाएंगे। ये तो आप कर ही लोगे, इनको इसको ऐड करो, सबट्रैक्ट करो, मल्टीप्लाई और डिवाइड। अब बोडमस रूल, ये हमने छोटी क्लासेस में सीखा हुआ है। बोडमस, बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑफ, डी फॉर डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, ये सारे जो लेटर हैं, ब्रैकेट, ऑफ, डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, तो इसी के अकॉर्डिंग जब सारे साइन हमारे किसी क्वेश्चन में लगे आ जाते हैं, उसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, वो इसी के अकॉर्डिंग। देखो जैसे ये है, सबसे पहले ब्रैकेट, देखो कहीं ब्रैकेट लगा हुआ है, ये रहा, तो हम सिर्फ इतना सोल्व करेंगे, देखो बाकी यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कोई चेंज हमने नहीं करा, एज इट इज़ उतार लिया, डिवाइड का निशान भी एज इट इज़ उतार लिया, हमने सिर्फ इसके अंदर वाली वैल्यू को हमने चेंज करा, इन दोनों को हमने ऐड कर लिया, सोल्व हो गया। उसके बाद ऑफ, ऑफ हमें कहीं लिखा दिख ही नहीं रहा, ऑफ लिखा हुआ है, अगर ऑफ लिखा हुआ है तो ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उन दो जैसे कहीं पर लिखा हुआ हो 3 ऑफ 4, तो वहाँ पर हम इसको 12 कर देंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है जी डिवाइड, अब डिवाइड कहाँ दिखाई दे रहा हमें, खाली ये, अब हम इस पोर्शन को हम करेंगे, बाकी देखो इसमें हमने यहाँ से यहाँ तक कोई चेंज नहीं करा विद साइन, तो 20 को हमने 5 से डिवाइड करा था, 4 आ गया। अगला मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई हमारा ये है, सिर्फ इतने पोर्शन को हम करेंगे, देखो इधर हमने ये कर दिया, बाकी हमारा कुछ नहीं चेंज हुआ। अब है हमारा एडिशन, अब सिर्फ इस पोर्शन को ऐड करेंगे, 41 और 9 को 50 हो गया, बाकी -4 एज इट इज रहा, बस अब तो अकेला है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, सब्सट्रैक्शन कर लेंगे और आंसर हमारा आ जाएगा। तो इसी रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। इसके भी आपको चार प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखे हैं, ये रहे हमारे पास चार प्रैक्टिस क्वेश्चन, इसके इसी रूल का यूज करके ये चारों क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं। तो 8 क्वेश्चन इधर हो गए, 4 क्वेश्चन इधर हो गए नीचे, अब ये 12 क्वेश्चन आपको अपनी कॉपी में साफ साफ करने हैं और उनकी साफ फ़ोटो खींचकर अपने अपने टीचर को व्हाट्सएप ग्रुप पर सेंड करनी है, ताकि वो आपका होमवर्क चेक कर सकें। धन्यवाद।